आज एक नया शोषक आज बंदूकें बांटी जा रही है, आज बीजेपी के वर्करों को बंदूकें दी जा रही है। मैं तो कहता हूं बीजेपी की नाकामी और हुकूमत के फेलियर का सबसे बड़ा अगर सबूत चाहते हैं तो ये बंदूक, इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उमर अब्दुल्ला जो है वो विवादित बयानों में घिरते जा रहे हैं। पहले उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुझे हराने के लिए तमाम उन नेताओं को जेल से बाहर निकाल रही है ताकि मैं हार सकूं, और अब एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने हर कार्यकर्ता को बंदूक हाथ में दे रही है, और ये गन कल्चर जो लाया जा रहा है इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंकवाद को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। आइए सुनते हैं इस बयान को कि किस तरह से उनका ये बयान अब आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत पैदा करेगा। एक नया शोषक आज बंदूकें बांटी जा रही है, आज बीजेपी के वर्करों को बंदूकें दी जा रही है। मैं तो कहता हूं बीजेपी की नाकामी और हुकूमत के फेलियर का सबसे बड़ा अगर सबूत चाहते हैं तो ये बंदूक, इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ जम्मू में दोबारा प्रेसिडेंसी को उभरने दी। इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि जम्मू में इन्होंने दोबारा हालात खराब किए। इस बंदूक को बांटा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग दोबारा मिलिटेंसी के वजह से परेशान हैं। और इन इलाकों को याद करिए, 2014 तक हमारी हुकूमत थी, हमने इन इलाकों को मिलिटेंसी से आजाद कर दिया था। तो ये बीजेपी का जो नारा है कि जम्मू को बचाना है, एक बार बटन दबाना है, ये झूठ है। इन्होंने जम्मू को तबाह किया है, इन्होंने जम्मू में दोबारा मिलिटेंसी। उमर अब्दुल्ला साहब का यह कहना है कि ये एक नया शोषा है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को बंदूक थमा रही है। दरअसल उनका यह तंज जो था वो वीडीजी को लेकर था। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब आतंकवाद अपने चरम पर था और जिस तरह से आतंकवाद ने डोडा किश्तवाड़ भदरवा में अपने पैर फैलाए थे तब यहां पर कई मासूम हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, और उस 90 के मिड में बकायदा प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी ने बकायदा यहां से पथ यात्रा निकाली थी और वीडीसी की डिमांड की थी, और तब इस वीडीसी का जो था गठन हुआ था यानी कि विलेज डिफेंस कमेटी। और विलेज डिफेंस कमेटी का जब गठन हुआ तो गांव के लोगों को बकायदा हथियार दिए गए ताकि वो आतंकवाद का मुकाबला कर सके। ऐसे कई वाक्य हुए, ऐसी कई वारदातें यहां पे देखने को मिली जब आतंकियों ने बकायदा हमला किया और वीडीसी के मेंबर्स ने बकायदा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और उसका जो नतीजा था जो फल था वो ये था कि आतंकवाद जो है वो इन इलाकों में कमजोर होता गया। अगर आज आतंकवाद जो है यहां पर कम हुआ है तो वीडीसी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने यहां से पलायन नहीं किया और आतंकवाद से मुकाबला किया, और उस मुकाबले के लिए उन्हें बकायदा हथियार दिए गए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और यहां पर शांति कायम होती गई वैसे वैसे सरकार ने भी इनसे अपना नाता जो था वो तोड़ दिया, और वीडीसी जो थी उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि अब यहां पर फिर से आतंकवाद जो है वो पैर फंसा रहा है। और यही कारण है कि जो वीडीसी है वो अब वीडीजी बन गई है और उनको रिवाइव किया गया है ताकि आतंकवाद जो है वो 90 के दशक जैसा ना हो और यहाँ के लोग जो हैं वो इस आतंकवाद का मुकाबला कर सके। और ये जो हथियार है ये आतंकवादियों के खिलाफ जो है उसे इस्तेमाल करना है, ना कि कोई नॉर्मल लोगों पे या फिर दहशत फैलाने के लिए। लेकिन शायद उमर अब्दुल्ला साहब अपने इस बयान के जरिए
वीडी जी का अपोज कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो गन थमा रही है। तो क्या जो वीडीसी उस समय बनी थी क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? और वीडीसी ने जिस तरह से आतंकवाद का मुकाबला किया वो बताता है कि इस एरिया में अगर शांति बहाल हुई तो वीडीसी मेंबर्स की वजह से हुई जिन्होंने बकायदा अपनी शहादत भी दी थी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला को शायद वीडीसी का वीडीजी बनना और वीडीजी को हथियार देना रास नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि 90 के दशक में जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद था अपने पैर पसार रहा था और उसने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां पर हमले करके उनका पलायन करवाया, अगर उनकी सरकार उस वक्त जागती और वीडीसी को वहां पर बनाती और वहां के लोगों को बकायदा हथियार देते तो शायद कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता और वो आतंकवाद से मुकाबला कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जब वीडीसी का यहां गठन किया गया तो इन लोगों ने बकायदा उस आतंकवाद का मुकाबला किया और जिस तरह से आतंकवाद यहां पे खत्म हुआ वो ये बताता है कि वीडीसी की क्या भूमिका थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब फिर से आतंकवाद जो है अपने पैर पसार रहा है, तो यही वजह है कि उसके पैर यहां पर और ज्यादा मजबूत ना हो तभी वीडीजी का जो है वो गठन किया गया, उनको हथियार दिए गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कठुआ में या फिर यहां पर जो आतंकी हमले हुए तो लोगों ने बकायदा डिमांड की सरकार से कि भाई साहब वीडीसी जो है उसे रिवाइव कीजिए, हमारे हथियार हमें वापस दीजिए ताकि हम इन आतंकियों का मुकाबला कर सकें। राजौरी में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ और आपने देखा डांगरी में किस तरह से 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, तो वहां उसके बाद वहां पर भी ये डिमांड उठी और बकायदा वहां पर लोगों को जो उस गांव के लोग हैं उन्हें बकायदा अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं। तो ये जो हथियार दिए जा रहे हैं ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो शायद उस बौखलाहट में बयान दे रहे हैं जब से उनकी हार हुई है और अब जिस तरह से उन्होंने अपनी टोपी उतारकर लोगों से कहा कि इसकी इज्जत रख लीजिए, मुझे जितवाइए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुझे हराना चाहती है, तो शायद उसी के आवेश में आते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अब जो है हथियार दे रही है क्योंकि यहां पर आतंकवाद जो है वो अपने पैर पसार रहा है। तो ये जो पैर पसार रहा है आतंकवाद के उसी पैर पसारने को रोकने के लिए ये वीडीजी बनाई गई है। तो क्या उमर अब्दुल्ला साहब ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर शांति बहाल हो, यहां पर आतंकवाद को कुचला जाए और वीडीजी को और मजबूत किया जाए, या फिर 90 के दशक को वो फिर से देखना चाहते हैं? ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है उनके इस बयान ने बवाल मचा दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी इस बयान को किस तरह से लेती है या दूसरी राजनीतिक पार्टी इस बयान को किस तरह से लेती है ये देखने वाला होगा। लेकिन उनका ये बयान पूरा वीडीजी ग्रुप को लेकर था।